हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फिजिक्स में जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है वो एनसीईआरटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी एनसीईआरटी है। तो क्लास 12th के अंदर पर्टिकुलरली हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में वैसे तो 15 चैप्टर्स हैं, बट उसमें से 14 इज ऑन आवर सिलेबस। तो लास्ट वाला जो चैप्टर है 15th नंबर, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो उसको डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग। हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उसके एनसीईआरटी के कुछ आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, जहां भी डाउट आए हमारी वीडियो की तरफ आइए और आप उस डाउट को फटाफट रहने मत दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ओके, डू फॉलो अस एट द फिजिक्स बूस्टर ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो करें शुरू, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये हर क्वेश्चन का डीपली सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है और चाहे वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए, हमें बोला गया है कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच कितना काम कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्जेज क्या है बच्चों? आपको चार्ज नंबर 1 दिया हुआ है और चार्ज नंबर 2 दिया हुआ है। Q1 और Q2 की जो वैल्यूज आपको गिवन है वो है 2 इंटू 10 पावर एस टू माइनस 7 कूलम एंड 3 इंटू 10 पावर एस टू माइनस 7 कूलम। और इनके बीच का जो गैप है बच्चों R, वो कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहला काम तो यही करना होता है ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया जाए, तो दैट इज द बेटर थिंग। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, R मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो फोर्स निकालना है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 by R square। ठीक है, जस्ट पुट दीज वैल्यूज Q1 Q2 एंड R। K की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, 9 इंटू 10 पावर एस टू 9 MKS में होती है। जस्ट पुट दीज वैल्यूज Q1 Q2 R एंड K एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट वॉज द इजी प्रॉब्लम। आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं दे। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर आपने पहले ही कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम चेक। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको दो चार्जेस दे रखे हैं बच्चों। आपको बोला गया है कि Q1 जो एक चार्ज है दैट इज 0.4 माइक्रो कूलम, और Q2 जो चार्ज है दैट इज -0.8 माइक्रो कूलम। क्लियर? और बोला गया है कि इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन है। तो आपको बोला गया, बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इन चार्जेस के बीच का गैप कितना है। R की वैल्यू आपसे पूछी गई है इस पर। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही होने वाला है, बट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने F की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, बट इस प्रॉब्लम के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R square। क्लियर? यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालें या R square की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी बच्चों K Q1 Q2 by F। क्लियर? अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप Q2 को पुट करेंगे यहां पे तो मैग्नीट्यूड इसका पुट करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप Q2 का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, Q1 Q2 और F इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एक बच्चों कि जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया क्या 2 भी 1 पे उतना ही लगाएगा? हाँ, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ किसको फॉलो करता है? एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई वही सेम फोर्स आएगा। और फोर्स की नेचर क्या होगी बच्चों? ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ हमारे रेगुलर क्लास की वीडियोस में। देखिए, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस के बीच हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो नेचर क्या रहेगी फोर्स की? अट्रैक्टिव रहेगी। क्लियर? तो दो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी हैं, इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी इजी प्रॉब्लम थी। चलिए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यूनिट एंड डायमेंशंस की प्रॉब्लम है और ये नीट या जेईई के एग्जाम में भी आ सकती है। और आपसे बोला गया है क्या कि एक वैल्यू है के ई स्क्वायर
बाय GMEMP आपसे पूछा गया है कि प्रूव कीजिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या प्रूव करना है? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नीट या जेईई एग्जाम में कैसे आ सकती है बच्चों? वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि इस पर्टिकुलर की डायमेंशन क्या होगी। तो करें चेक, आ जाओ, अपने को सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले के कूलम्स कॉन्स्टेंट, अगर आपको कूलम्स कॉन्स्टेंट की डायमेंशन नहीं आता तो या तो फाइंड आउट कर लो हाथों हाथ, या क्या करो, यहां से लर्न कर के की वैल्यू, जो के की यूनिट है वो लर्न कर। तो क्या होती है के की वैल्यू? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की यूनिट होती है। इस यूनिट की हेल्प से आप लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं इजीली। तो डायमेंशन बच्चों क्या आएगी के की, यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो M1 L1 T-2, इसको करेंगे तो L2 अपॉन A2 T2, ठीक है। अब देखिए यहां से व्हाट विल बी गेट, M1 L3 T-4 A-2, लो के की डायमेंशंस आ गए। बाकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, बाकी डायमेंशन हमें लर्न होनी चाहिए। तो क्या क्या सारी डायमेंशन पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। M1 L3 T-4 A-2, E मतलब चार्ज ही तो है, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? A1 T1, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? A2 T2 अपॉन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन याद रख लो, नीट जेई में डायरेक्टली कई बार आई हुई है। क्या होती है? M-1 L3 T-2। MEMP मासेज है, एक मास की M1 तो 2 मासेज है तो M2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपने। देखो L3 से L3 कैंसिल हो गया, A-2 से A2 कैंसिल हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, T-4 T2 कितना बचा बच्चों? T-2। तो ये पूरा डाटा यहां पे कैंसिल हो गया। M-1 M2 कितना आया? M1, तो M1 से M1 कैंसिल, तो फाइनली सब कुछ कैंसिल हो गया। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई, यही उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए बोला था। कह रहे हैं कि प्रूव कर दो कि ये डायमेंशनलेस होता है। तो ये नीट के अंदर, जेई के अंदर डायरेक्टली भी आ सकता है बच्चों, आपको डायमेंशन इसकी लिखनी पड़ सकती है। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई, क्लियर। तो तीन प्रॉब्लम्स थी, डिस्कस कर लिए हमने, चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। आइए, फोर्थ प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है बच्चों, कि पहला पार्ट है फोर्थ प्रॉब्लम का, थ्योरेटिकल है। पहला है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको इसके लिए हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, हमने थर्ड वीडियो के अंदर, थर्ड जो एपिसोड है रेगुलर बैच का, अच्छी तरह से डिस्कस किया है क्वांटाइजेशन को, और फोर्थ एपिसोड में उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, तो आप लोग इजीली वहां से कवर अप कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्वांटाइजेशन है वो माइक्रो लेवल पे ही क्यों होता है, मैक्रो लेवल पे क्यों नहीं होता। मैक्रो का मतलब एक बड़ा लेवल, ठीक है, माइक्रो लेवल पे ही क्यों कंसिडर होता है, मैक्रो लेवल पे क्यों नहीं इफेक्ट डालता। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्वांटाइजेशन के अंदर बच्चों यूज होता है ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁹ में चलती है। तो मैक्रो लेवल पे अगर आप कंसीडर कर भी लेंगे तो 10⁻⁹ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दैट्स व्हाई जो क्वांटाइजेशन है वो माइक्रो लेवल पे ही कंसीडर होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ई। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ वाज थियोरेटिकल, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें बोला गया है कि अगर आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से रब करते हो, चाहे आपने पॉलीथीन को वूल से रब किया, ग्लास को वूल से रब किया, किसी को किससे भी रब किया, तो हर बार चार्ज ट्रांसफर एक जैसा ही क्यों होता है? मतलब हर बार एक पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम हो जाते हैं, दूसरे पे ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है हमारा, चार्ज कंजर्वेशन। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इसलिए हर हालत में क्यू इनिशियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्यू फाइनल के, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो बेसिकली ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज। दैट्स वाई जो मर्जी सिस्टम हो, जिन मर्जी दो सिस्टम्स को रब करो आप, आपका जो आउटपुट है इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज ही मिलेगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, डन, ओके। चलिए सिक्स प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर बना इस तरह से, ठीक है, और इस स्क्वायर के चार कॉर्नर हैं, और उन पे क्या रखा हुआ है बच्चों? अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, 2 μC, -5 μC, -2 μC एंड
सॉरी प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। उन्होंने बोला अगर हम एक सेंटर पे चार्ज रख दें, सेंटर पे अगर एक चार्ज रख दें तो उसमें नेट फोर्स बताइए। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आपके पास ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने कैलकुलेशन पे बाद में जाना है, पहले क्या करना है, पहले आपने डायरेक्शन सेट करनी है, हो सकता है आपको कैलकुलेशन करनी ना पड़े, ठीक है। तो पहले देखिए हमें किसके ऊपर फोर्स चेक करना है, ओ पे, सेंटर पे। तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंस सबके लिए क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, क्लियर, सबके लिए सेम रहने वाली है, कितनी, ए बाय रूट टू, क्लियर। अब देखिए एक एक करके डिस्कस करें। अब देखिए टू माइक्रोकूलम वाला, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एक पॉजिटिव चार्ज आप एज्यूम कर सकते हैं, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आप एज्यूम करते हो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव ही कंसिडर होता है, बेसिक से प्रिंसिपल यही है, इसके रूल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसे ही हुए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चार्ज रख, वो प्लस को ये टू माइक्रोकूलम क्या करेगा, पुश करेगा, रिपेल करेगा, और ये टू माइक्रोकूलम भी प्लस को रिपेल करेगा। देखिए इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, टू इंटू दिस सेम है, टू इंटू दिस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है या उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सब कुछ तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब भाई साहब एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें, माइनस फाइव वाला इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सेम ऐसा ही सिनेरियो यहां भी क्रिएट हो गया, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों ओ पे जो फोर्स आया हमारा वो कितना आया, जीरो, क्लियर। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों, ओ पे जीरो आ गया, दैट्स इट, क्लियर। तो बस सिंपल है, देखो मेरे को कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। तो हमेशा पहला स्टेप आपका डायरेक्शन ही रहनी चाहिए, हो सकता है आपका टाइम बच जाए, हो सकता है आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, सिंपल सी प्रॉब्लम है। पहला पार्ट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअस कर्व क्यों बनाती है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जंप करके नहीं जा सकता, वो कंटिन्यूअस पाथ पे ही चलेगा, दैट्स वाई वो कंटिन्यूअस पाथ बनाती हैं, ब्रेकिंग पाथ नहीं बनाती है, क्योंकि चार्ज जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जंप करके नहीं जा सकता। सेकेंड पार्ट है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। देखिए अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है इधर भी है, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही इंसान एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है, बस वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लाइक इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इसमें, या इसमें, और है, एंड नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दो डायरेक्शंस बन गई, ना, पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन होगा तो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, दैट्स व्हाई टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत बार आया हुआ है जेई के अंदर, सॉरी सीबीएसई के अंदर, तो इसको ध्यान से आप चीज को समझिएगा, डन। चले नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक अच्छा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। आपको दो चार्जेस दे रखे हैं कुछ इस तरह, क्वेश्चन नंबर 8, दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, 3 माइक्रोकूलम एंड सेकंड इज -3 माइक्रोकूलम, क्लियर, -3 माइक्रोकूलम। इनके बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर और एक मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट कहां पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको बोला गया कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए जैसे ही हम जैसे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में फायदा क्या होता है कि जो हम यहाँ पे चार्जेस यूज करते हो ना यहाँ पे, वो यूनिट चार्ज होता है, वो यूनिट चार्ज होता है। आप उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम जो आप एज्यूम करना चाहें एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, आपके पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बस अब डायरेक्शन चेक कर लो, ये प्लस, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये प्लस ये माइनस, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब माइनस की तरफ। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ओ को हम लिख सकते हैं, ई इसको ए और इसको बी अज्यूम कर ले, ई ए ओ प्लस ईओबी। प्लस क्यों आया बच्चों,
क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इस चार्ज के ऊपर इसकी डायरेक्शन भी इधर है, और माइनस की वजह से इनवर्ड होती है, प्लस की वजह से आउटवर्ड होती है, तो आउटपुट क्या आ गया, दोनों का एडिशन। अब इसको कैसे करेंगे, ई ए को क्या लिखेंगे, के क्यू, ये वाला क्यू, ठीक है, अपॉन यहां पे बिकॉज यूनिट चार्ज है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्शन डिसाइड कर चुका, या तो डायरेक्शन डिसाइड कर दो या फिर माइनस को लेके घूमते रहो पूरे क्वेश्चन में। तो आई विल से कि आप डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, माइनस को घूम के ले जाना पंगा है। एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर ली, अगर ऑपोजिट में है तो बीच में माइनस का यूज कर लो, अगर सेम है तो बीच में प्लस का यूज कर लो, बस यही काम करना है अपने को। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आंसर आ गया 2KQ/R². अब वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू बच्चों 9×10⁻¹, R की वैल्यू, दिस इज द R जिस जगह पे फाइंड आउट करना है, तो Q की वैल्यू पहले पुट कर दें, 3×10⁻¹, R कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10×10⁻², मतलब 10⁻¹², ठीक है। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया फाइनली, 18×3 करें तो 54×10⁻³, उसको ऊपर भेज दो भाई, क्या है वो माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो आंसर आ गया 54×10⁵ न्यूटन पर कूलर। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर, बात समझ आई मेरी। बहुत कुछ नहीं करना यार, पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, डायरेक्शन डिसाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। एक अच्छी प्रॉब्लम है, सीबीएसई में आ सकती है। क्लियर, समझ आ गया, अच्छी तरह आप इसको देख लीजिए, पॉज करके अच्छी तरह रिपीट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से एक बार इसको चेक कर लो। क्लियर, चलिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि सिस्टम यही लो, 3 μC -3 μC, और बट इस बार उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस भी यही लो 20 सेंटीमीटर, बट इस बार बोला कि अगर हम मिड में, मिडल पॉइंट पे एक चार्ज रख दें, एक चार्ज प्लेस कर दें, कितना है वो चार्ज बच्चों, उस चार्ज की वैल्यू उन्होंने बोली है हमें -1.5×10⁻¹ या -1.5 nC भी बोल सकते हो। आपको बोला गया कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा इन दोनों की वजह से। तो देखो गेम तो डायरेक्शन का ही है ना, ये 3 μC इसके साथ क्या करेगा, आपको इस पे फोर्स निकालना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये -3 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन देखो फिर से सेम हो गई। तो इस पे जो एफ नेट लगेगा बच्चों वो क्या होगा, एफ ए ओ प्लस एफ बी ओ, इसको ओ मान ले, इसको ए, इसको बी। एफ ए ओ की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो देखो मैग्नीट्यूड रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन डिसाइड कर चुके, के Q1 कितना है 3×10⁻¹, Q2 कितना है बच्चों, ये 1.5×10⁻¹, मैं डायरेक्शन डिसाइड कर चुका इसलिए मेरे को माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं। R, R कितना है, गैप कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻², स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया। प्लस FBO भी तो यही है, सेम ही तो है, एज इट इज ही तो है, देखो सारा कुछ तो सेम है, तो K 3×10⁻¹, 1.5×10⁻¹ अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 10⁻¹, ठीक है। अब बस दोनों को सोल्व कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो क्या आएगा, 9×10⁻¹ हो गया, तो 2×9×10⁻¹ × 3×1.5×10⁻¹⁵ × 10⁻¹² ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर, बात समझ आ गई, इसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर ऑब्टेन कीजिए, डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, अच्छा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा दो पार्ट्स हैं।